दोस्तों, भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का 30 दिसंबर रुड़की के पास कार एक्सीडेंट हुआ है। इस सड़क हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके सिर पैर में चोटें आई हैं। उनके MRI स्कैन रिपोर्ट में उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी नॉर्मल है। जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो उनकी जान एक ड्राइवर और कंडक्टर ने बचाई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। ऋषभ पंत की जान बचाने के लिए उन्हें हरियाणा राज्य परिवहन निगम द्वारा सम्मानित किया गया। दोस्तों, तो ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए 30 दिसंबर को निकले थे, लेकिन रुड़की के पास हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकराई और उनके साथ ये हादसा हो गया। इस दौरान पंत अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़कर जैसे तैसे बाहर निकले और उसके बाद उनकी कार में आग लग गई और एक ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी जान बचाई और उन्हें अस्पताल ले गए और उनका इलाज अभी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है।